नमस्कार झारखंड एन एम एम एस अर्थात राष्ट्रीय साधन स सा मेधा छात्रवृत्ति 2020-21 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का यह पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या एक से लेके पंद्रह तक के प्रश्नों को हल करके बताया था आज उससे आगे के प्रश्नों को हल कर रहे हैं प्रश्न संख्या सोलह है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा एम डब्ल्यू जी क्यू और उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह के प्रश्नों को आ, के लिए सबसे पहले हमने ए बी सी डी जेड तक लिख लिया है और इसके बाद सब में नंबरिंग कर दिया है ए का वन बी का टू इस तरह से अब देखिए एम कहां पर है एम का नंबर क्या है तेरह है एम का नंबर तेरह है इसके बाद जी आता है सॉरी डब्लू आ रहा है तो डब्लू का है यहां तेईस तो हम देख रहे हैं तेरह से यहां पर तेरह में दस जोड़ते हैं तो तेईस आ रहा है इसके बाद जी है तो देखते हैं तेईस के बाद जी कहां पर है तो तेईस के बाद यहां से फिर गिनती करेंगे एक दो तीन फिर ए से शुरू हो जाएगा चार पांच छ सात आठ नौ दस ये दस इसके बाद क्यू कहां पर आ रहा है यहां से फिर गिनते हैं इसके बाद से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो एक बात ये क्लियर हो गया कि किस पैटर्न पर ये चल रहा है तो एम में हमने दस जोड़ा है ना तो एम था 13 तो दस जोड़ा तो ये यहां पर हो गया ये तेईस में आ गया फिर यहां दस जोड़ दिया तो ये आ गया कहां पर आ गया जी कहा था सात पर आ गया फिर यहां से हमने दस इसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया ये जी अः सत्रह नंबर पर तो अब सत्रह में अगर हम दस जोड़ेंगे एड करेंगे तो ये कितना है सत्रह में दस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सत्ताईस और सत्ताईसवां नंबर कौन सा हमारा अक्षर होगा छब्बीस है जेड तो सत्ताईसवां होगा ए तो हमारा ये क्या होगा क्वेश्चन की जगह ए अर्थात हमारा आंसर हो गया ये तीन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा एच जे एल एन पी आर टी वी तो यहां कौन सा पैटर्न कर चल रहा है यह बड़ा आसान है एच और जे के बीच में क्या आता है एच आई एक, एक, एक अक्षर छूट रहा है एच आई जे फिर यहां जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी अर्थात एक एक अक्षर छोड़ कर आ रहा है तो वी के बाद हम कौन सा छोड़ेंगे वी डब्लू छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फिर एक्स आ जाएगा तो हमारा ये आ, कौन सा सही है तीसरा नंबर एक्स क्वेश्चन uh, नंबर एटीन देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा दो पांच दस सत्रह इसके बाद क्या होगा तो इसका अंतर हम देखते हैं दो में तीन जोड़ते हैं तो पांच आता है पांच में दस जोड़ते हैं तो दस आता है और इसमें सात जोड़ते हैं तो सत्रह आता है तो इस तरह देख रहे हैं कि आ, ये तीन पांच सात ये क्या है विषम संख्याएं हैं। तो हम यहां पर सात के बाद क्या जोड़ सकते हैं नौ जोड़ सकते हैं तो ये आ जाएगा सत्रह में नौ जोड़ेंगे तो कितना होगा छब्बीस हो जाएगा है ना लेकिन इन तीनों को देखने से एक बात और लगता है कि ये अभाज्य संख्याएं भी है प्राइम नंबर्स है तो तीन पांच सात के बाद 9 की जगह ग्यारह भी हो सकता है और अगर हम ग्यारह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अट्ठाईस अगर इसमें ग्यारह जोड़ देंगे तो ये अट्ठाईस हो जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे छब्बीस भी हो सकता है और अट्ठाईस भी हो सकता है तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है इस प्रश्न थोड़ा वेग प्रश्न है यहाँ 26 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है ये भी हो सकता है और यह भी हो सकता है हालांकि आपको कोई एक को ही सही करना होगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस प्रश्नचिन्ह के स्थान पर क्या होगा तो यहां देखें सी वन एल एफ फोर जीरो वन नाइन आर सॉरी आई नाइन आर एल सिक्सटीन यू तो सबसे बीच वाला जो आ, संख्या है उसको देखते हैं एक चार नौ सोलह तो ये देखने से तुरंत स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है वर्ग संख्याएं हैं ये एक का वर्ग ये दो का वर्ग ये तीन का वर्ग ये चार का वर्ग तो इस बार होगा पांच का वर्ग यानी ये हो जाएगा बीच वाला पच्चीस तो बीच वाला तो हमें पता चल गया इसके बाद सी के बाद यहां एफ आ रहा है तो सी के बाद क्या आता है डी ई e. दो छोड़कर सी के बाद डी ई e छोड़ के एफ आ गया है ना तो अब एफ के बाद फिर क्या छोड़ेंगे जी एच तो आई आ जा रहा है दो छोड़ के फिर आई के बाद दो छोड़ते हैं आई जे K, और एल आ रहा है अभी दो दो को छोड़ के आ रहा है पहला वाला तो एल के बाद दो छोड़ेंगे तो क्या होगा एल एम एन तो यहां पर होना चाहिए ओ अब अब ओ ट्वेंटी फाइव तो वो ट्वेंटी फाइव कौन सा है अ, ये तीसरा नंबर अब और कोई ओ ट्वेंटी फाइव नहीं है इसलिए अब हम तीसरा वाला चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है सीधे हम इसे ये मान लेंगे ये हमारा आंसर है लेकिन फिर भी हम तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं कंफर्म होने के लिए तो एल के बाद एम एन दो छोड़ के है सॉरी ये ओ uh, के बाद ये जो आर आ रहा है बीच में ओ पी क्यू आर दो छोड़ के रहा है आर के बाद एस टी यू तो इसके बाद दो छोड़ेंगे यू के बाद तो यू भी डब्ल्यू तो यहां पर होगा एक्स तो बिल्कुल सही है हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा तो यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है छे से हम गुना कर दिए दो छे को दो से गुना किए बारह बारह को दो से गुना किए चौबीस चौबीस को दो से गुना किए अड़तालीस अः अड़तालीस को दो से गुना किए तो छियानवे तो इसको भी हम दो से गुना करेंगे छियानवे को तो एक सौ बिरानवे आएगा तो ये हमारा ऑप्शन नंबर टू सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर ए ई आई ओ यू निकाल दिए जाए तो बाई ओर से पांचवें अक्षर के दाहिनी ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सबसे पहले हम इस ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे हम अल्फाबेट को लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अब पहला वाला इंस्ट्रक्शन देखते हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर निकाल दिए जाएं चलिए हम निकाल देते हैं ये A को हमने काट दिया ए के बाद ई e को काट दिया ई e के बाद ई e के बाद कौन सा है आई uh, ये ये भी हमने काट दिया आई के बाद ओ काट दिया ओ के बाद यू काट दिया निकाल दिए गए अब बाई ओर से पांचवें अक्षर अच्छा। तो ये बाया है ये यहां से पांचवा एक दो एक दो तीन चार पांच ये पांचवें पर आ गए हम ये पांचवा अक्षर पर हम आ गए अब इसके बाद कहता है कि दाहिनी ओर तो दाहिना इस ओर होगा सातवां अक्षर कौन सा होगा तो यहां से गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात ये आ गया हमारा आंसर पी तो ये ऑप्शन नंबर टू सही है ये बाईस नंबर तो ए तो रहे हैं ए अगर वन है और ये सी अगर अल्फाबेट में हम ए से वन से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा तीसरा नंबर पर होगा और ये टी बीसवा नंबर पर तो अगर इसको जोड़ते हैं बीस और एक इक्कीस और तीन चौबीस यानी जो अल्फाबेट है हमारा बिल्कुल ए से शुरू हो रहा है इसका तो आ, अभी हमने नंबरिंग लिखा था पहले देखिए तो पहले किस प्रश्न में सोलहवें नंबर पर है ना आ, यहां हमने नंबरिंग लिख लिया है तो हमें किसका निकालना था अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पुलिस आ, तो पी का कितना नंबर है यहां सोलह ओ का कितना है ओ पंद्रह ये पंद्रह है पंद्रह यहां पर लिखते हैं अच्छा रहेगा सोलह जोड़ पंद्रह ये ओ का हो गया एल का कितना है बारह जोड़ बारह जोड़ आई का कितना है यहां नौ सी का तीन और E का पांच आइए इसको जोड़ते हैं पांच और तीन आठ नौ सत्रह और दो उन्नीस और पांच ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं है ना P का सोलह O का पंद्रह L का बारह I I I का नौ C का थ्री E का फाइव तो पांच और तीन आठ और आठ नौ सत्रह सत्रह दो उन्नीस उन्नीस पांच चौबीस और चौबीस और छ चौबीस और छ हो जा रहा है अः कितना चौबीस और तीस का सुनना हाथ में था? तीन चार पांच छ ये साठ रहा है एक बार फिर से देखते हैं आ, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ये सोलह पंद्रह बारह नौ है ना? आ, इसके बाद नौ के बाद ये तीन और पांच तो ये साठ आया तो देखिए पुलिस का हमारा साठ आ रहा है तो इसका साठ का ऑप्शन है देखते हैं है देखिए हमने वहां पर किया था चूंकि हमने सत्रह सोलह नंबर प्रश्न में नंबरिंग कर दिया था तो ये हमारा आंसर आ गया ये साठ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एच एन और फिर है डी जी के आर फिर ये समानुपात है डी एफ जी एन फिर अब ये क्वेश्चन में क्या होगा तो यहां पर हम देखते हैं ए के बाद बी आ रहा है तो यहां डी के बाद क्या आएगा ई e आएगा ई e. e के बाद ई e के बाद E के बाद जी है यानी बीच में एफ है ई एफ जी तो यहां एफ के बाद एक छोड़ के आएगा एफ जी एच आ जाएगा ठीक है ई एच ई एच वाला तो एक यह, यही वाला है सिर्फ तो यही हमारा आंसर तुरंत आ, आ गया कंफर्म होने के लिए और हम चेक कर लेते हैं एच के बाद ये जी है, है ना तो ई एफ जी एच ये एक पहले आ जा रहा है एच के बाद जी एच इधर आ रहा है तो सॉरी सॉरी ये तो हम यहां से जोड़ दे रहे हैं ना ये ये यहां यहां, यहां पर गड़बड़ कर दिए हमने हमने गड़बड़ कर दिया आ, ये हाँ एच से एच के बाद यहां पर के है तो एच के बाद क्या आता है आई जे दो छोड़ के है तो यहां जी के बाद फिर दो छोड़ के आएगा जी एच आई आए जे आ जाएगा तो तीसरा भी हमारा मिल गया मतलब तो हमारा ये ऑप्शन नंबर वन ही सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए बी सी बाई एफ और यहां बी सी डी बाई आई और सी डी ई बाई एल तो क्वेश्चन में क्या होगा तो यहां देख रहे हैं ए के बाद बी आ रहा है तो इस सी के बाद क्या आएगा बी आएगा. के बाद सी आ रहा है तो डी के बाद क्या आएगा ई e आएगा। सी के बाद डी आ रहा है तो यहां ई e के बाद एफ आ जाएगा तो ये ऊपर वाला तो मिल गया अब नीचे एफ के बाद आई है एफ के बाद जी एच दो छोड़कर आई आ गया और आई के बाद जे K, दो छोड़ के एल आ गया तो एल के बाद दो छोड़ेंगे तो एल एम एन यहां पर होगा ओ तो ये कौन सा है हमारा पहला नंबर डी एफ वाई ओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नीचे लिखी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से दाएं सिरे से ग्यारहवें अक्षर अच्छा। तो दाया से ग्यारहवा जोड़ते हैं कौन सा है गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये ये हमारा यह ग्रह हुआ है अब क्या कहते हैं दाई ओर छठा तो दाया इधर होगा ये इधर होगा दाया तो यहां से छठा गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छ तो ये ये हमारा आंसर है वी क्वेश्चन नंबर छब्बीस दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है आ, तो हम इसके अक्षरों को देखते हैं जी ए टी ई तो यहाँ पर जी ए टी ई है आर ए टी ई आर ए टी ये भी है एच ए टी ई एच ए टी ये भी है यहां पर है जी आर यू एन टी तो जी है क्या यहां है जी है आर आर भी है आ, यू यू भी है एन एन यहां पर नहीं है तो अर्थात ये शब्द नहीं बन सकता है फ्रॉम द शब्द ई एल एम ए से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं एक दो तीन या चार तो आप बना के देखें एक देखिए ये बन सकता है एम ए एल ई मेल उसके बाद एक बन सकता है एल ए एम लेम और ये तीसरा बन सकता है एम ई एल मील तो तीन शब्द तो हम देख रहे हैं कि बन रहा है अर्थपूर्ण है जिसका अर्थ भी है मेल आप जानते हैं मेल पर पुरुष लेम आ, मतलब लंगड़ा मेल मेल मतलब भोजन तो यहां पर हमारा आंसर हो गया तीन आप कोशिश करके देखें क्या इससे भी ज्यादा बन सकता है यह है प्रश्न संख्या 28। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों का एक ही बार प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है आ, तो कौन सा इसमें बनाया जा सकता है? देखिए थोड़ा आप भी देखिए है ना पहला वाला है फेम यहां पर एफ है यहां पर एफ है क्या नहीं यहां पर ये यह एफ है तो ये यह यहां पर नहीं है तो ये तो नहीं बन सकता है इसके बाद यहां एन एन यहां है ए, ए भी है, एम एम भी है ये ई भी है तो ये तो बनाया जा सकता है अब इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं M यहाँ पर है आई भी है एन 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 ये भी है O ये भी है यहाँ आर है लेकिन ये एग्जामिनेशन में आर नहीं है तो ये नहीं बन सकता है इसी तरह से यहां गेम में यहां जी है जो एग्जामिनेशन में नहीं है तो ये नहीं बन सकता है तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन टू ट्वेंटी नाइन है शब्द डेटरमिनेशन के अक्षरों के क्रम को बगैर परिवर्तित किए तथा प्रत्येक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं आ, बना के देखते हैं अगर हम ये लेते हैं एक ये डेटर और ये फिर एक नेशन तो ये बन गया अः डेटर और नेशन दो यहां पर बन गया अब इसी को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं एक दूसरा शब्द भी टर्म और नेशन टर्म और नेशन तो हम देख रहे हैं कि हम इस तरह से बनाए तो भी दो ही बना पा रहे हैं इस तरह से बनाए तो भी दो ही बना पा रहे हैं तो हमारा आंसर हो गया दो क्वेश्चन नंबर थर्टी प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करते हुए अक्षर समूह एम टी ए से अंग्रेजी के कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो हम लोग बना के कोशिश करते हैं एक हमारा बन जाएगा एम ए टी मेट मेट मतलब ये मित्र होता है इसके बाद एक हमारा बन जाएगा मीट एक हमारा बन जाएगा टीम। और एक तेम, मतलब पालतू तो चार हम देख रहे हैं कि बन जा रहा है तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है आशा है कि इन प्रश्नों को आप कैसे बनाया जाए इस तरह के सारे प्रश्नों को कैसे बनाया जाए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और परीक्षा में आप देखेंगे अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो तो इसमें जो ट्रिक बताया गया है उस ट्रिक का आप प्रयोग करके उसको सॉल्व कर पाएंगे एक बात और ध्यान देने की बात है कि हमने एबीसीडी जो लिखा उसका नंबरिंग किया अगर आप उसको याद कर सकते हो तो और अच्छा है वो और जल्दी आपका बनेगा समय की बचत होगी धन्यवाद